एजुकेयर डेस्क, इंग्लिश एजुकेयर डेस्क पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, और फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल होगा ग्रो अप, ग्रो अपॉन, ग्रो ऑन, ग्रो अप ऑन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक करके सबको। सबसे पहले हम फ्रेज को जानते हैं, फिर फ्रेजल वर्ब को जानते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेज क्या होता है? दो शब्द या दो शब्दों से ज्यादा से जो मिल करके बनता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं, और सेम फ्रेजल वर्ब है, मतलब के ये भी दो शब्दों से मिलकर के बनता है, लेकिन फर्क ये है किसी भी वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। देखिए जो फ्रेज जो उसको बोलते हैं जो के जैसा वहां पर शब्द दिखता है वैसा अर्थ और मतलब नहीं देता, अलग हट करके अर्थ और मतलब देता है, उसी को हम फ्रेज या फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रो अप, ग्रो अपॉन, ग्रो ऑन, ग्रो अप ऑन। देखिए ग्रो का मतलब क्या होता है? ग्रो का मतलब होता है उगना, उगाना, बढ़ना, बढ़ाना। अच्छा ग्रो अप, क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशन लगा है, ग्रो अप का मतलब होता है प्रोग्रेस, बिकम मैच्योर, मतलब बढ़ना, परिपक्व होना, उगना, पनपना का अर्थ और मतलब है ग्रो अप। एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन ग्रो अप सो फास्ट दीज डेज, आजकल बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। तो ग्रो अप का मतलब बड़ा होना, परिपक्व होना, प्रौढ़ होना, बढ़ना को मतलब को हम बोलते हैं ग्रो अप। नेक्स्ट है आपका ग्रो अपॉन। ग्रो अपॉन का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? ग्रो अपॉन का अर्थ होता है, मतलब होता है स्टार्ट लाइकिंग समवन फर्स्ट टाइम। पहले पहले तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको पसंद करने लग जाना किसी को, उसका अर्थ और मतलब होता है ग्रो अपॉन। और सेम अर्थ और मतलब ग्रो ऑन का भी होता है, मतलब किसी को पहले पहल चाहने लगना। एग्जाम्पल है सी डिड नॉट लाइक मी एट फर्स्ट बट नाउ शी इज स्टार्टिंग टू ग्रो अपॉन मी, पहले पहल तो मुझे पसंद नहीं करती थी लेकिन अब वो मुझे पसंद कर रही है, मुझ पर डोरे डाल रही है। तो डोरे डालना मतलब क्या होता है? पसंद करना। पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन बाद में वो पसंद करने लगी है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए ग्रो ऑन का। ग्रो ऑन का भी मतलब सेम होता है जैसे ग्रो अपॉन का होता है, मतलब हुआ। तो एग्जाम्पल है माई नेबर स्टार्टेड टू ग्रो ऑन मी नाउडेज, मेरा पड़ोसी आजकल मुझे चाहने लगा है। तो ग्रो ऑन या ग्रो अपॉन का मतलब चाहना, पसंद करना। नेक्स्ट और फाइनल है ग्रो अप ऑन। ग्रो अप ऑन का अर्थ होता है, मतलब होता है डू और हैव समथिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में कुछ चीजें रखना, जैसे बचपन की जैसे यादें सजो करके रखना, तो हम उसको बोलेंगे ग्रो अप ऑन, या फिर बचपन में कुछ रखना तो उसको हम बोलते हैं ग्रो अप ऑन। एग्जाम्पल है वी ग्रो अप ऑन कार्टून्स एंड कैंडी, हम कार्टून और कैंडी रख कर बड़े हुए हैं। वी ग्रो अप, हम बड़े हुए हैं ऑन कार्टून्स एंड कैंडी, कार्टून्स और कैंडी पर, मतलब के कार्टून्स और कैंडी हमारे यादों में भी बसा हुआ है और ये चीज हम पहले भी रखते थे। तो ग्रो अप ऑन का मतलब कोई चीज रखना या कुछ करना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।